हेलो एवरीवन, हाय मोहम्मद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पब्लिक पे। तो यार फाइनली यार आयुष शर्मा की न्यू मूवी का एक टीजर आया है यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनकी मूवी के लिए, क्योंकि यार मैंने इनकी अंतिम मूवी देखी है भाई। भाई वो मूवी ना आप देखना एक बार, जिन्होंने नहीं देखी है ना एक बार जाके देखना। उस मूवी में जो एक इनकी परफॉर्मेंस है ना, सलमान खान को भी टक्कर दी थी भाई कड़ी उस मूवी में इन्होंने, एंड एक अलग ही हो रहा था यार उस मूवी में। आई मीन उसके सीन्स देखता हूँ ना मैं अब भी कई बार, भाई इस बंदे की जो परफॉर्मेंस है ना उसमें जाके देखना। जो लोग सोचते हैं कि एक्टर नहीं बन सकते, दम नहीं था इस बंदे में, अब वो मूवी देखना एंड आप रियली एक दिल से कहोगे कि यार हाँ वाकई में दम तो है बंदे में। तो फाइनली यार अब उनकी न्यू मूवी का टीजर आया है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं टीजर को एंड उससे पहले इस मूवी के क्रेडिट्स पढ़ लेते हैं। तो देखो गाइस मूवी का नाम है रशलन एंड ये जो टीजर है ये सारे का म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पे आया है, तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, तो आप उसे वहां से भी देख सकते हो। और जो इस मूवी की कास्ट है उसमें आयुष शर्मा, विद्या मारवती एंड जगपति बाबू, ये तीनों के नाम पता है भाई मेरे को एंड बाकी मेरे को इतना पता नहीं और कौन कौन है इस मूवी में। और इस मूवी को डायरेक्ट करण ललित भूटानी कर रहे हैं, तो डायरेक्टर भी नए हैं एंड कहते नहीं मैं इस मूवी के लिए अगर एक्साइटेड हूँ ना भाई, एक तो आयुष शर्मा एंड दूसरे जगपति बाबू, इन दोनों का इन दोनों का यार स्टारडम है। एंड कहते नहीं आयुष शर्मा का तो यार मैं तभी से फैन बना हूँ, खासकर जब अंतिम मूवी देखी थी मैंने, तो यार जगपति बाबू का जो विलन का रोल होता है ना वो मेरे को बड़ा पसंद आता है, तो मैं जगपति बाबू एंड आयुष शर्मा इन दोनों के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। तो चलिएगा देख लेते हैं टीजर को एंड फिर अच्छे से बात करते हैं मूवी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। वाह यार खर्चा तो दिख रहा है भाई मूवी में। जब हुनर ही तेरा साथी है, दिखा अपनी काबिलियत, अगर दुनिया तुझे आजमाती है। वाह यार स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन दिए ना, डर अपने अतीत से। ओ भाई देख तेरी मंजिल क्या है। वाओ यार खर्चा काफी दिख रहा है। बीजीएम सुपर होने वाला है इस मूवी का यार। वाओ यार भाई मास एक्शन होने वाला है यार इस मूवी में। ये तो टाइगर श्रॉफ की याद आ रही है यार। हारने को कुछ नहीं, जीतने को पूरी दुनिया है। वाह यार डायलॉग रसलन। ओ भाई टाइगर श्रॉफ आ गया क्या यार। यार देखो टीजर भाई अच्छा लगा मेरे को एंड आयुष शर्मा को देख रहा था ना ऐसा लग रहा था यार टाइगर श्रॉफ आ गया उनमें। आई मीन मिक्सचर लग रहा है भाई ये, आप ध्यान से देखना कुछ कुछ परफॉर्मेंस तो आपको ऐसा लगेगा कि सलमान खान का स्वैग दिख रहा है एंड कुछ कुछ परफॉर्मेंस है आपको जो एक्शन सीन है उसमें आपको लगेगा यार टाइगर श्रॉफ फाइट कर रहे हैं क्या, बट अच्छा लग रहा है। आई मीन आयुष शर्मा के जो एक्सप्रेशन है वो डायलॉग डिलीवरी है अच्छी लग रही है एंड बाकी जब मूवी आएगी तो देखेंगे क्या कुछ होगा। अभी यार टीजर से कुछ ज़्यादा अंदाजा तो लग रहा है, बट थोड़ा ना पास्ट को दिखाया जा सकता है ऐसा लग रहा है मेरे को, जैसे छोटे बच्चे की कहानी। आई मीन वो स्टार्टिंग में बोलता है ना छोटे बच्चे के एक शॉर्ट दिखाए जाते हैं, तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को। बाकी टीजर अच्छा है, आई मीन डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी यार ये मूवी मेरे को लग रहा है। टीजर भी ठीक ठाक ही है, मतलब जो देखेंगे यार उनको पसंद आएगी, आई मीन एक्साइटेड होंगे इस मूवी के लिए। तो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी आई मीन शूट लग रहा है काफ़ी ज़बरदस्त किया गया है, तो बाकी अभी टीजर आया कल आएगा तो और अच्छे से आई मीन रिवील होगा मूवी के बारे में, तो तभी बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो उम्मीद है मुझे आप सभी को आई मीन टीजर पसंद आया होगा या वगैरह वगैरह इस मूवी को लेके कितना एक्साइटेड हो, खासकर जो आयुष शर्मा के फैन है अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड आप मुझे कंटेंट के लिए सजेशन भी दे सकते हो, तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।